कटरीना कैफ फिलहाल खबरों में बनी हुई है फिल्म भारत को लेकर, और जहां हर तरफ सलमान और कटरीना की केमिस्ट्री की बातें हो रही है, वहीं कटरीना और उनकी एक्स रणबीर की केमिस्ट्री को लोग आज भी याद करते हैं। कटरीना काफी सीरियस रिलेशनशिप में थी रणबीर कपूर के साथ, और ब्रेकअप के बाद कटरीना ने कई मौकों पर खुलकर की है बात उनके फीलिंग्स को लेकर। वो आज भी एक अच्छा बॉन्ड शेयर करती है रणबीर कपूर के साथ और उनके अभी के गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट के साथ भी। और अब हाल ही में फिल्मफेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कटरीना ने दिल खोलकर की बात रणबीर के साथ के ब्रेकअप को लेकर। कटरीना ने कहा, मे बी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर मी पर्सनली एंड प्रोफेशनली। आफ्टर माय लास्ट रिलेशनशिप एंडेड, आई वाज फोर्स्ड टू एनालाइज मेनी थिंग्स अबाउट माय सेल्फ एंड माय लाइफ एंड द वे आई वाज लिविंग इट। व्हाटएवर वाज सपोज्ड टू हैपन हैपेंड। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आई रिमेंबर आई वाज गेटिंग ऑन अ प्लेन टू शूट बार बार देखो इन थाईलैंड। It was January. There was a repetitive thought going on in my head. When you get stuck on something, it's deeply disturbing. It doesn't leave you alone. It was bad. It was sad. I wondered how could something trouble you to this level. That phase made me read a lot. I wanted to understand how we human beings function. On one particular night, my attitude and approach to the world opened up again. इसी बारे में उन्होंने आगे कहा, Some things can still upset you, but that's fine. I face it. I stare at the ghost in the room until it just fades away. When something triggers an emotion, I let it happen. Like one day I came across something which I kept pushing away, but it hurt me and bothered me. While I was doing yoga, my teacher asked, "Are you okay?" I said, "I was fine." She said, "But you were crying." I had actually begun crying. It had to come out. Now I don't try to push things away. I stare at them. What you resist persists. कुछ चीजें हमेशा आपको उदास कर देती है, लेकिन अब सब ठीक है, फेस करते हैं। कटरीना ने ये भी बताया कि एक बार उनकी योगा टीचर ने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, तो वो खुद को नहीं रोक सकी और उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। लेकिन कटरीना कहती है कि अब वो इन सब चीजों से भागती नहीं है, बल्कि सामना करती है। दिल टूटने के बाद पर्सनल और प्रोफेशनली बहुत सारे बदलाव हुए। रिलेशनशिप खत्म होने के बाद खुद के बारे में बहुत सारी बातों को समझने और सोचने के लिए मजबूर किया गया। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन जो भी कुछ होता है उसके पीछे कारण होता है। वेल, कटरीना की इन्हीं बातों से ये साफ पता चल जाता है कि कटरीना को रणबीर के साथ के ब्रेकअप से काफी ठेस पहुंची है। आप क्या कहोगे इस बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।